नमस्कार बच्चों, वक्त हो चला आप लोगों से रूबरू होने का। अध्याय 14 लेके हाजिर है हम आप लोगों के सामने। 14.3 हमारी चल रही थी। पहला और दूसरा सवाल हम ले चुके थे, किसका? 14.3 का। और आप लोगों को याद होगा, हम हमेशा आपसे कहते थे बच्चों, ये साइन थीटा कॉस थीटा जो त्रिकोणमिति है, अगर आप लोगों ने इनके सूत्र बखूबी याद कर लिए तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज लगेगी आप लोगों को, क्योंकि इसमें बच्चों सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, या कभी कभी राइट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS, ये प्रूव करना होता है, आंसर शीट की जरूरत ही नहीं होती है। तो सिद्ध करने वाले सवाल ज्यादा आसान हुआ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इन दिनों प्रार्थना हमारे गणित की वही साइन थीटा कॉस थीटा वाले सूत्र दोहरा रहे, एक बार तेजी से समझिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वही छह सूत्र, साइन थीटा बराबर 1/2, ये आप खुद लिखिए बच्चों, खुद लिखिए। कॉसेक बराबर 1/2 क्या होगा देखते जाइए, कॉस थीटा 1/2 क्या होगा खुद लिखिए, सेक थीटा बराबर 1/2 क्या होगा खुद लिखिए, और इधर टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा खुद देखिए, और कॉट थीटा बराबर 1/2 क्या होगा खुद देखिए। छह सूत्र। और बच्चों सुनो, यहां हम दो सूत्र और आप लोगों को लिखवाते थे, एक टेन थीटा बराबर, ये कीमती सूत्र हैं, टेन थीटा बराबर, हाँ, और एक होता था कॉट थीटा बराबर। हम आप लोगों को एक मिनट का वक्त दे रहे हैं, फटाफट इनको भर लीजिए आप लोग। इसके बटे में क्या लिखेंगे, इसके बटे में क्या लिखेंगे, इसके बटे में क्या लिख रहे हैं, बिना एक दूसरे का देखे, ठीक है। ठीक इसी तरह से स्क्वायर वाले कुछ सर्वसमीकरण होते थे, उनको भी हम दोहराएंगे बच्चों। ये लिखिए फटाफट, फिर मैं यहां से बोलूंगा, मैच करिएगा और ईमानदारी का परिचय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप पे पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप हम पे विश्वास करते हुए चलिए, एक दूसरे के विश्वास से हम और स्ट्रांग होते चले जाएंगे, बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। कम ऑन, लिखिए। साइन थीटा बराबर 1/2 क्या होगा, कॉसेक बराबर 1/2 क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, सेक बराबर क्या होगा, टेन बराबर कॉट बराबर, टेन बराबर कॉट बराबर, जल्द से लिखिए, एक मिनट का वक्त हम आपको दे रहे हैं। यस, कहीं नन्हे मुन्ने बच्चे तो लिख लिए, बाकी तो लिख ही नहीं रहे कि सर को पता थोड़ी चल रहा है। अरे बच्चों सुनो, आप अपनी भावनाएं अच्छी रखिए बच्चों। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉसेक थीटा, कॉसेक इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, कॉस इज इक्वल टू 1/2 सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। और यहां जो हमने लिखवाए थे उसमें ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये सूत्र आप लोग रोज लिखेंगे, त्रिकोणमिति आपको आसान लगेगी बच्चों। 90 माइनस थीटा टेंथ में आएंगे, कुछ सूत्र नए नए वो हम उस समय बात कर लेंगे। इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे दो और बने, वो क्या बने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसी से बने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और अगर एक बराबर बनाएंगे ना तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अगर जो tan स्क्वायर थीटा बराबर बनाया तो वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो इस एक बराबर अगर बनाना है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बनाना है तो वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
अगर आप लोग ये नाइन्थ में स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना ट्रिग्नोमेट्री को, तो टेंथ में आप और हम किसी भी तरह की त्रिकोणमिति नए कोर्स में जुड़े, सॉल्व कर लेंगे बच्चों आसानी से। कम ऑन, छह ये सूत्र, दो ये सूत्र और ये तीन से बने एक्स्ट्रा सूत्र, इन सबको लेके हम साथ चल रहे हैं 14.3 पेज नंबर 298। तो देखिए 14.3 के सवाल नंबर तीन को, और ये जो सूत्र हम मिटा रहे हैं बच्चों यही बीच बीच में लगेंगे, ठीक है। सवाल को देख के आप लोगों को पहचानना है कि किस तरह से सूत्र का इस्तेमाल करना है हमारे को, ठीक है। जैसे बच्चों ये मार्कर हमारे हाथ में है, अगर इसको यूज लेना है निश्चित रूप से हमारे को इधर से तो पकड़ने से काम नहीं चलेगा ना, इधर से पकड़ना पड़ेगा और इधर से भी इसको ओपन करना पड़ेगा तभी ये यूज आएगा। तो वो कहां पे साइन थीटा, कहां कॉस थीटा, वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। आइए सवाल नंबर तीन, और अब आज हम आपको दिखाएंगे भी बच्चों क्या सोचना चाहिए हमें। यस, चौथा सवाल, तीसरा सवाल पहले, यस दो ही तो लिए थे बच्चों हमने आप लोगों को, तीसरा सवाल पहले ले रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कॉसेक थीटा। पहली बात तो यहां पे देखो कॉसेक आरएचएस में केवल एक ही तो है, तो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखो बच्चों मैं एलएचएस में आप लोगों को दिखाऊं कि अगर हम इधर साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो एक बटे साइन थीटा एलसीएम वाला आ गया हमारे पास, एक बटे साइन थीटा, और वो कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहां पे एलएचएस को हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे के ऐसे, इस साइन थीटा के अपॉन में वन लिख लिया समझने के लिए। तो यहां एलसीएम आया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार गया, उस एक को हमने मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर से, तो वो हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस एक का भाग गया साइन थीटा बार, तो साइन थीटा इससे गुणा हुआ वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा, या आप सूत्र लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, बराबर एक। ऐसे एक दो जगह सूत्र लिखे हुए रहने चाहिए, अच्छा लगता है। ये एक अचानक इसमें कैसे बदल गया, इसकी वजह से बदल गया, और एक बटे साइन कॉसेक थीटा बराबर होता है बराबर आर एच एस, इस तरह से उतारिए। बच्चों ध्यान इधर रखो, देखो इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए आप लोगों का। साइन थीटा हमने एलसीएम लिया था, यहां कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया, उसका मान एक, बटे में साइन थीटा चल रहा है। और बच्चों हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान 1 मार्च से आप लोगों के लिए नाइन्थ के लिए ये लगातार क्लासेज जारी रहेंगी बच्चों। टाइमिंग हम आप लोगों को जल्द ही बता देंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के दौरान बीच के टाइम में भी 12:05 से पहली क्लास हुआ करेगी और हमारी, और दूसरी क्लास फिर 12:50 से, ठीक है। टाइम टेबल जल्दी ही आप लोगों को बता देंगे, चिंता ना करें आप, तो फटाफट ये सवाल उतारिए। अगला देखिए चौथा सवाल, तो नाइन्थ के लिए वो जारी रहेगी एग्जाम तक, ठीक है, और टेंथ के लिए चूंकि 2 अप्रैल से ट्वेल्थ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो इसलिए 28 तक टेंथ के लिए भी ये जारी रहेगी बच्चों। सवाल नंबर 4 लेके ये देखिए चौथा सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है हमारे को टू, दो सिद्ध करना है। बच्चों अगर प्रैक्टिस होगी ना आप लोगों की तो यहां पे ना लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको राइट हैंड साइड नजर आ जाएगी। देखो यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना बच्चों आप लोग, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का भी जानते हो, हाँ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब समझिए इनका इस्तेमाल इसमें करना है लेफ्ट हैंड साइड। सूत्र को आप चाहे तो बॉक्स में बंद कर लीजिए, इनका यूज इसमें होना है बच्चों। तो हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आइए इसको ओपन किया, इस तरह से तीन पद इसमें प्राप्त होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीन टर्म इसमें से निकल के आए, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, बीच में टू ए बी की जगह टू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक इसी तरह से इसमें से भी सिर्फ तीन पद आएंगे, लेकिन जैसे प्लस से माइनस हुआ ना ऐसे इसमें भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बच्चों। तो वो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है यही चीज। ये तीन पद, यही तीन पद इधर है, ये स्क्वायर। बच्चों अगर आप लोगों को कुछ दिखने में दिक्कत आए बोल देना आप सर ये क्या लिखा है, बता देंगे हम आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से निकल के आए, और इधर से जो निकल के आए वो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो कट गए, प्लस के टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा कैंसिल, बचे क्या साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से जुड़ के टू कॉस स्क्वायर थीटा। इनमें से दो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया, बस ब्रैकेट वाली चीज हो गई एक। अरे ये रहा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो टू ब्रैकेट में वन बराबर दो बराबर आर एच एस सिद्ध। यहां पे भी एक बॉक्स बना के लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो इस तरह से हम चले थे एलएचएस से, पहुंच गए आरएचएस पे, इतनी सिद्धम यही सिद्ध करना था, एलएचएस बराबर आरएचएस। जल्द से उतार लीजिए। और बच्चों सुनो, आप कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं तो इन सवालों को बिना देखे अपने आप आज ही करना 22 तारीख को ही। और आप लोगों के स्कूल के आसपास के कोई दूसरे स्कूल हो ना बच्चों, चाहे वो किसी भी तरह का स्कूल, अगर वहां पे उन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई हो तो आप समझा देना उनको, बता देना कि हमने आईसीटी से भी समझा, स्कूल में भी पढ़ा, वहां से भी समझा, तो और स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाओगे बच्चों। सुनो मेरी थोड़ी सी गणित है ना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हो गई, और मैं जब आप लोगों की जितना था उस समय भी क्लास के और स्टूडेंट्स मेरे से पूछते थे तो मैं बता देता था, किसी को नाराज नहीं करता था। तो दो एकम दो आरएचएस उतारिए जल्दी से।
ये था चौथा सवाल। इसमें दो होल स्क्वायर दिए गए थे, दोनों को हमने खोला, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो गए, बच्चे हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ में। तो दो जगह साइन स्क्वायर थे, दो जगह कॉस स्क्वायर थे, तो टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, दो हमने कॉमन ले लिया और इस तरह से आरएचएस हमें प्राप्त हो गया। सवाल नंबर पांच लेके फिर से हाजिर है हम। पांचवा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें इसी तरह के सर्व समीकरण जो आपके अध्याय तीन है ना बच्चों, उसी में से कुछ सूत्र कभी भी लग जाते हैं बच्चों। अध्याय तीन बहुपद के नाम से है बच्चों, एक बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसके वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ए क्यूब माइनस वाई बी क्यूब कभी भी लग जाते हैं किसी भी सवाल में, तो वो तो याद करके ही चलिए आप लोग। पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने, कॉसेक की घात छह थीटा माइनस कॉट की घात छह थीटा बराबर वन प्लस थ्री कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। समझिए थोड़ा सा मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप जैसे स्टूडेंट इसको समझ नहीं सकते, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों, आप और हम मिलके इसको आसान बनाएंगे। बस अभी आप लिखना बंद कर दो, पहले इधर देखो, रख दो पैन नीचे, पैन नीचे, यस बच्चों। अब देखो ये घात छह है ना, ये घात दो की तो तीन हो जाती है और तीन की घात दो हो जाती है, तो हम क्या करें है ना बच्चों, तो हम यहां क्या कर रहे हैं सुनो, इसको मैं कर रहा हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा की घात तीन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की घात तीन। अब यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमिका इसमें यूज होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों आप कह रहे हैं कि सर आपको तो मालूम है इसमें क्या करना है। बच्चों किसी अनजान जगह पे जब हम पहली बार पहुंचते हैं तो हमारे को किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन एक बार अगर आपको वो बता दिया, जैसे स्कूल पहली पहली बार आए थे तो आपके डैडी आपको साथ लेके आए थे, आपके पापा या मम्मी साथ लेके, चल बेटे इधर स्कूल है, ठीक है, और अब तो जरूरत ही नहीं होती उनकी, वैसे ही है बच्चों मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों के, हमारे शिक्षक साथ ही आप लोगों को लेके चलते हैं, तो एक बार शुरुआत में थोड़ा सा आप हमारे साथ चल लीजिए ना बच्चों। देखो ए माइनस बी, ए की जगह पे यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हम इस सूत्र में यहां तक पहुंचे ए माइनस बी तक, थीटा नहीं दिख रहा, ये अब दिख रहा होगा थीटा देखो, और दूसरे में यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉसेक की घात चार हो गई यहां पे, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट फोर थीटा। वापस से इसकी घात, ये चूंकि स्क्वायर था उसके स्क्वायर का स्क्वायर की घात चार बन गई, यहां पे घात चार बन गई, यहां स्क्वायर और ये स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, इसका मान एक होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर, ये देखो यहां ध्यान दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो इसकी जगह पे हमने एक लिख दिया, साइड में आप चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं। अब बच्चों सुनो ये बचा हमारे पास में, क्या बचा कॉसेक फोर थीटा प्लस कॉसेक
स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट फोर थीटा, ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो इसका इससे गुणनफल यही तो आया, कॉसेक फोर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट फोर थीटा। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, सुनो 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 सुनो, इसके अंदर हुआ क्या, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको इससे गुणा करेंगे तो यही ब्रैकेट आया। इसमें हम यहां पे कॉसेक फोर थीटा माइनस, एक ये बात थोड़ा सा समझ लो, एक स्टेप बचा रहे हैं हम, माइनस टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट फोर थीटा। ऐसा क्यों किया कि ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाए, लेकिन हमने क्या किया, प्लस का कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर की जगह माइनस का टू और कर दिया। अरे एक रुपए लेने की बजाय दो रुपए दे दिए, तो अब हम उससे तीन रुपए लेंगे, कितने, तीन रुपए। वापस से सुन लो, एक रुपए हमारे को लेना था, प्लस होना था हमारे पास, उसकी बजाय उसको जरूरत थी तो दो रुपए दे और दिए, ले पकड़। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, थ्री कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, प्लस नहीं कॉट स्क्वायर थीटा ऐड भी करना पड़ेगा, इधर माइनस कर दिया तो उधर प्लस करेंगे, तभी वो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये स्टेप थोड़ी सी मुश्किल है बच्चों, जिसके लिए हमने आपको बोला था कि ये सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब यहां से यहां तक का जो मान है ना बच्चों, यहां से यहां तक, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसका होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हमें मालूम है बच्चों इस वाली प्रॉब्लम आई है आप लोगों को, हमें पता है, पर आप थोड़ा सा एक दो बार करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि हां इसमें ऐसा करना है। तो ये थ्री कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसका मान एक होता है ना बच्चों, यहां पे भी तो लगाया था एक, तो एक का स्क्वायर क्या हुआ, एक, तो वन प्लस थ्री कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस, राइट हैंड साइड, वन प्लस थ्री कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आर एच एस हो गई हमारी। तो ये थी एल एच एस, आर एच एस जो हमें सिद्ध करना था आ चुकी है, जल्द से आप लोग इसे उतार लीजिए। इसकी ये स्टेप थोड़ी सी मुश्किल है हम मान रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा इस वाली स्टेप को, ठीक है ना बच्चों। इस स्टेप में हमने माइनस दो बार किया है और प्लस तीन बार किया है, जल्द से उतार लीजिए अंतराल से पहले ये, फिर हम आगे के जो सवाल है जल्द से इसको उतारिए। छठे सवाल में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, सातवें सवाल में थोड़ा सा एक माइनस कॉमन लेने वाली बात है, आठवें सवाल में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। उतारिए जल्दी से ये सवाल, बच्चों हमें पता है। और एक बात सुन लो, जिन बच्चों ने ये सूत्र याद नहीं कर रखे ना, उनको तो कुछ भी समझ में आने की मतलब यहां पे उम्मीद कम है थोड़ी सी, क्योंकि सूत्र याद नहीं किए उन्होंने, तो वो खुद अपना चाहते ही नहीं कि हमें कुछ समझ आए। तो यहां पे ये हुआ, ये हुआ, ये सर्वसमिका लगी, सर्वसमिका के ये टुकड़े हो गए, इस तरह से ये हमने सॉल्व किया, बराबर वन प्लस थ्री कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा आर एच एस हमें प्राप्त हो गया। उतारे उतारे जल्दी से बच्चों, यस, संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, और अगर कोई पीछे रह गया उतारने में, एक दो मिनट के अंतराल में आप आपस में शेयर कर लीजिएगा, एक दो मिनट के बाद तुरंत मिलते हैं हम आप लोगों से।
कुछ बच्चों को कहना है सर दिक्कत आई सर पांचवे में, कोई बात नहीं बच्चों छठा थोड़ा सा राहत देगा। छठा सवाल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार वापस से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, है ना बच्चों, टेन थीटा साइन थीटा। सवाल थोड़ा सा ध्यान से उतारिए, अदरवाइज बच्चों सवाल अगर गलत उतर गया ना तो फिर पता नहीं क्या सिद्ध हो जाएगा। तो एक बार सवाल ध्यान से आप फिर से देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्रूव करना है हमारे को लेफ्ट हैंड साइड। तो एक बार थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं बच्चों, सुनो, अगर मैं इनको पास में रखूं, इस साइन थीटा और टेन थीटा को हमने साइड में कर दिया, तो संभवतया कुछ आसान सवाल ये हो जाएगा, है ना बच्चों। देखिए कैसे, अरे और भी तरीके हैं बच्चों इन सवालों के, कोई एक पर्टिकुलर एक ही तरीका नहीं है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, जैसे ये आपका घर है और ये स्कूल है, तो घर से स्कूल आने का एक ही तो रास्ता नहीं है ना बच्चों, कई बार इधर से घूम लिए उधर से आ गए, इधर से बंद है तो इधर से चले गए, ऐसे वैसे इसके तरीके हैं। तो हम अपनी तरफ से बेहतरीन तरीका आसान तरीका आपको बता रहे हैं। तो मैं LHS में ही चेंज कर रहा हूं, उसको इधर ले आया, कॉस क्यूब थीटा टेन थीटा साइन थीटा को हम आगे ले गए साइड में, यहां से उठा के उधर, इनमें ये कॉस थीटा कॉमन आ गया और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो इधर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या किया, ये जो टेन थीटा है ना, इसको हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लिया, गुणा में साइन थीटा चल ही रहा है, इसका मान एक होता है, यहां पे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहां कॉस थीटा ब्रैकेट में बन गया एक, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहां कॉस थीटा LCM, यहां क्या आएगा बच्चों, बटे में एक है इसके एक तरह से, तो भाग गया कॉस थीटा बार, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, तो वन अपॉन कॉस थीटा। अरे वही सूत्र फिर से लग गया, और एक बटे कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, रोज हम प्रार्थना कर रहे हैं इन साइन थीटा कॉस थीटा की, बराबर सेक थीटा बराबर आर एच एस, देयरफॉर वी कैन से LHS बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था, है ना बच्चों, उतार लीजिए। इनमें आंसर शीट का काम ही नहीं है, कोई मिलाना ही नहीं है, बस इधर से सॉल्व करिए, ये आ गया तो सिद्ध, नहीं आया तो अटक गए, वापस से सॉल्व करो, ऐसे हैं ये सवाल। छठा, आइए सातवें सवाल के बारे में हम थोड़ी सी प्लानिंग करें। सवाल नंबर सात, इसमें थोड़ा सा बच्चों प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सातवें में, ठीक है, एक बार पुनः पुनः हमारी बात दोहरा दे बच्चों, नाइन्थ के लिए ये ICT की क्लासेस अनवरत जारी रहेंगी, बोर्ड परीक्षाओं के बीच के टाइमिंग में 12:05 पे पहला पीरियड, 12:45 तक, और फिर 12:50 से 1:30 बजे तक, 1:30 तक, एक दिन में दो ही पीरियड यहां पे लगेंगे बच्चों आप लोगों के, वो टाइम टेबल में आ जाएगा कि इस दिन मैथ्स और साइंस होना है या क्या लगेगा, ठीक है, एक दिन में दो क्लासेस लगेंगी ICT के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं के बीच के टाइम में।
तो ये छठा सवाल आप लोग उतार चुके होंगे, जल्दी से सातवां सवाल भी समझ लीजिए। सातवां सवाल, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें सिद्ध करना है। आइए बच्चों समझिए, इसको हम उतार नहीं रहे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। वन माइनस टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ठीक इसी तरह से साइन थीटा में कोई बदलाव नहीं कर रहे हम, वन माइनस कॉट की जगह पे वो जो महत्वपूर्ण सूत्र है कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये लगाया। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया इधर भी और इधर भी, तो यहां ये कॉस थीटा, यहां कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक इसी तरह से यहां पे ये साइन थीटा, एलसीएम लिया साइन थीटा, तो इधर आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा एलसीएम लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, इधर साइन थीटा एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। चूंकि ये बटे में बटा चल रहा है, इधर भी बटे में बटा है, इधर भी बटे में बटा है, तो कॉस थीटा तो किससे गुणा हुआ, ये व्युत्क्रम होके गुणा हो गया, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्लस यहां ये साइन थीटा अकेला ये व्युत्क्रम होके गुणा हो गया, क्या हुआ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, तो ये कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर ये साइन थीटा सीधा और गुणा होके ये हो गया साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि इसमें कॉस माइनस साइन है और इसमें साइन माइनस कॉस है, तो एक स्टेप थोड़ी सी आप लोगों को समझनी होगी, यहां तक उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, ये यहां हुआ बच्चों हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक और महत्वपूर्ण स्टेप आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करना चाहते हैं, इधर इधर ध्यान दो बच्चों आप लोग, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को यही चीज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, माइनस कॉमन लेके, क्या माइनस कॉमन लेने पर, चाहे तो आप यहां पे लिख दो माइनस कॉमन लेने पर, लेने पर, तो ये क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर ये मैंने माइनस कर दिया, ये ध्यान रखना बच्चों ये वाली स्टेप इसमें कीमती है, इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया और अब बटे में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। बच्चों सुनो, कॉमन तो इस ब्रैकेट के बाहर ही आया था, जैसे a माइनस बी को कभी इच्छा है ना b माइनस ए करने की, तो माइनस कॉमन ले लो b माइनस ए कर दो, बात बराबर है, वो माइनस यहां पे प्लस को माइनस कर दिया उसने, बस अंतिम क्षणों में ये सवाल चल रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम, एक ही ब्रैकेट से काम चल गया, तो यहां हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इसके दो फैक्टर हो गए, दो गुणनखंड हो गए, एक बार प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और एक बार क्या हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो माइनस वाला माइनस से कट गया, ये कैंसिल खत्म। क्या आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है, तो बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है बच्चों, वो बराबर आर एच एस। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस में करोगे तो आसान बना सकते हो बच्चों। एक बार पुनः पुनः समझ लीजिए, टेन को हमने साइन बटे कॉस में बदला, कॉट को कॉस बटे साइन में बदला, फिर इधर एलसीएम लिया, बटे में बटे को हमने व्युत्क्रम करके गुणा कर दिया, माइनस कॉमन लेने वाली एक कीमती स्टेप है, इस तरह से हल कर के हमने आरएचएस प्राप्त की। ठीक है बच्चों, जल्द से उतार लीजिए, अब एक दो मिनट का वक्त बाकी है, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग इसे। उतारिए जल्दी से, और इन सवालों को बच्चों थोड़ा सा बार बार करेंगे ना तो आसान लगेंगे, नहीं तो यही मुश्किल लगेंगे और वो फिर टेंथ में और ज्यादा मुश्किल बन जाते हैं। ये तो हमने केवल समझाया था माइनस कॉमन लेने वाली बात, उतारने नहीं थी। और बच्चों ये आप लोगों को बता दिया कि ये रिकॉर्डिंग आजकल 24 आवर्स रोटेट होती रहती है, तो आप कभी कोई भूल जाए इधर उधर देखना, या किसी वजह से कोई लाइट की वजह से प्रॉब्लम चल रही हो, रोटेट होती रहती है ये क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लासेस में जब भी हम आप लोगों से मिलेंगे तो 14.3 के बचे हुए सवाल अवश्य लेंगे। बच्चों मेहनत इसी तरह से करते रहिए, अगले क्लासेस में आप लोगों से फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।